नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इन दिनों हम अक्सर सुनते हैं कि भारत वैश्विक ताकत बनकर उभर चुका है या बड़ी तेजी से उभर रहा है। इससे अच्छी बात क्या होगी कि अपने देश का बड़ी शक्ति के रूप में उदय हो रहा है। लेकिन क्या हमारे मुख्य धारा मीडिया में इस उभरते भारत की कहीं कोई तस्वीर झलकती है? वैश्विक परिदृश्य की बात फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़कर हम सिर्फ दक्षिण एशियाई परिदृश्य की बात करें। क्या हमारे मीडिया के पास कोई ऐसा सुसंगत दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य नजर आता है जिसकी रोशनी में वो अपने निकट पड़ोसियों, अन्य एशियाई मुल्कों और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की जटिलता को देख सके? राजनीतिक आर्थिक सवालों के अलावा एशिया के इस बड़े क्षेत्र के मानवीय मुद्दों को लेकर हमारे मीडिया की क्या है समझ, क्या है नजरिया? म्यांमार का ज्वलंत रोहिंग्या संकट हो या मालदीव की अंदरूनी सियासी खटपट, श्रीलंका से जुड़े जटिल मसले हों या पाकिस्तान का सवाल हो, मसला नेपाल का हो या बांग्लादेश का, क्या हमारा मीडिया समाज, सत्ता या संपूर्ण मानवता के लिए कोई सुसंगत परिप्रेक्ष्य दे पा रहा है? परिप्रेक्ष्य का सवाल शायद ज्यादा विराट है। क्या हमारा मीडिया इन हलकों को ठीक से कवर भी कर पा रहा है या हम अपने पड़ोसियों के बारे में यूरोप और अमेरिकी चश्मे से लिखी या कही खबरें और व्याख्याएं पढ़ने और देखने को अभिशप्त हैं? मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर अपने तीन खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं विवेक काटजू, जाने माने राजनयिक। हमारे साथ हैं अलका आचार्य, प्रोफेसर अलका आचार्य चीनी अध्ययन संस्थान की निदेशक हैं, और साथ में हैं विनोद शर्मा, लंबे अरसे तक फॉरेन अफेयर्स भी कवर कर चुके हैं और पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। शुरुआत हम विवेक काटजू आपसे करते हैं कि क्या दक्षिण एशिया को लेकर जो एक मीडिया परिप्रेक्ष्य, हम सीधा सवाल अपने विषय पर ही करते हैं, आपको लगता है कि जो एक भारत की इतनी बड़ी ताकत उभरने की हम बात करते हैं कूटनीतिक हलकों में, राजनीतिक हलकों में, क्या हमारे मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया में कोई एक दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य भी नज़र आता है, एक कोई कंसिस्टेंट सुसंगत जिसे आप कहेंगे परिप्रेक्ष्य? देखिए, मैं इस पर, एक तो मीडिया में अभी तक एक कोई दक्षिण एशिया का नज़रिया नहीं उभरा है, और ये भी नहीं मैं कह सकता हूँ कि दक्षिण एशिया के हर देश में, हर मुल्क में हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया की कोई रुचि है। अब ये भी कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे समाज में भी इतनी रुचि नहीं है, हमारे एकेडमिक सर्कल्स में इतनी रुचि नहीं है कि वो बारीकी से देखें या जानें कि दक्षिण एशिया के हर मुल्क में, जैसे भूटान में क्या हो रहा है, मालदीव्स में क्या हो रहा है। हाँ, जब संकट की स्थिति किसी इस देश में आती है तब दक्षिण हमारी मीडिया उस पर नज़र डालती है, लेकिन क्योंकि वो इस पर पूर्ण रूप से अपनी नज़र नहीं रखती है तो उससे जो भी अखबारों में छपता है या टेलीविज़न पर दिखाया जाता है वो ज़रा सा सेंसेशनल होता है, ज़रा सा नैरो होता है फोकस उसका। तो मेरा ये मानना है कि इस सब को हमें सोचना है कि भारत, जिस तरह हम एक विश्व में अब हमारी साख बन रही है, और ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस सरकार की वजह से बन रही है या किसी और सरकार की वजह से बनी है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम बड़े देश हैं, हमारी मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने प्रगति की है और दुनिया ये मानती है अब कि भारत एक मेजर सेंटर, मेजर केंद्र दुनिया का बन रहा है। तो इस ये जो जिम्मेदारी हम पे अब आएगी या आ रही है, इसको अज्यूम करने के लिए मेरा ये मानना है कि मीडिया और मीडिया के साथ साथ जितने और इंटेलेक्चुअल सर्कल्स हैं उनको अब सोचना पड़ेगा। अलका आचार्य, हम देखते हैं अभी हाल के दिनों में अल जजीरा को अगर देखें, CNN को देखें, गार्डियन को देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, सभी जो महत्वपूर्ण जो चैनल्स और अखबार हैं दुनिया के, दक्षिण एशिया का ही एक बहुत महत्वपूर्ण जो अभी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, खासकर रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर, हमारी पड़ोसी देश में जिस तरह की एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है और बहुत ही त्रासद, बहुत ही ट्रेजिक। लेकिन अगर इंडियन मीडिया को आप देखें, नज़र डालें, शायद ही किसी बड़े अखबार में, शायद ही किसी महत्वपूर्ण चैनल पर कभी नज़र आए कि हमारे पड़ोस के देश, जिसमें जो हमारे 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 देश के चार सूबे जो सरहदी हैं, उस और उसका भी कनेक्शन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमसे कोई उसका सूत्र नहीं जुड़ता है, बहुत सारे सूत्र जुड़ते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं, कैसे देखती हैं? ये
सुन चुके हैं हम बहुत बार कि भारतीय जो हैं नेवल गेजर्स होते हैं, कि वो अपनी ही अंदर बस झांकते हैं और उनको बाहर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक ऐतिहासिक एक जो एक इमेज जैसी ये छवि है कि हम बाहर देशों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, और बाहर छोड़िए हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमें उनसे दिलचस्पी नहीं है। और ये एक तरह से सामाजिक लक्षण भी है कि हम अपने पड़ोसी से अनजान रहते हैं। ये तो एक बात रही जो एक फिलोसॉफिकल लेवल पे है, लेकिन आपने जो बड़ा सवाल उठाया कि क्या भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या इसे अपने बाहर और अपने पड़ोस में जो हो रहा है उसको दर्शाना चाहिए? नहीं, सवाल ये उठता है मेरे समझ से कि क्या सिर्फ सत्ता में आप बढ़ रहे हैं इसीलिए आपको दिलचस्पी है, या आपको ये जानना है कि आपके आस पड़ोस में हो क्या रहा है जिससे आप पर क्या असर पड़ता है? तो मुझे तो ये जो बड़ी बेसिक चीज़ है वही नहीं समझ में आती है। और जहाँ तक एक मीडिया में छवि है, देखिए हमारे यहाँ मीडिया स्वतंत्र है, हर एक मीडिया को हाउस को अपनी इच्छा से और अपनी जो उनके खुद के प्रलोभन है उनसे वो आगे बढ़ती है। तो मीडिया का भी एक अपना जो वर्चस्व है उसमें ये कहना कि क्या वो आसपास में क्या दिलचस्पी रखते हैं उसको क्यों नहीं दिखाते हैं, तो ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि जहाँ आप सत्ता की बात कर रहे हैं या वैश्विक शक्ति की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टेट का रोल आता है, क्योंकि ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है सवाल भारत की सत्ता से, और इसलिए भारत सरकार या जो स्टेट जो राज्य है उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, क्या वो उनको सबसे पहले पहल नहीं करनी पड़ेगी ये कि भारत की छवि बाहर कैसी है और बाहर की छवि अंदर कैसी है? तो इन तीनों जगह तीनों स्तर पे मुझे एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। विनोद, हमने म्यांमार का तो सवाल सिर्फ इसलिए उठाया कि बहुत ताज़ा एक प्रसंग है, लेकिन अगर आप पूरे अपने आसपास के देशों को आप देखें तो उनके बहुत सारे इस तरह के डेवलपमेंट इससे भी ज़्यादा ज्वलंत कई बार उनके बारे में हम देखते हैं कि ये विशाल मीडिया हमारे देश का 86,000 करोड़ का हमारा मीडिया उद्योग है देश में, सैकड़ों चैनल, हजारों अखबार, लगभग 80-82 हज़ार अखबार और पीरियडिकल्स हैं। लेकिन अगर हम दुनिया के बारे में एक हम चीन से अपनी तुलना करते हैं, लेकिन चीन के पास जिस तरह आज ग्लोबल टाइम्स से लेकर के और उनके जो चैनल्स हैं, जो ग्लोबल चैनल उनका उतरा है मैदान में पिछले 10-11 साल से, तो आई मीन जिस तरह की वो एक कोशिश दिखाते हैं अपने यहाँ, क्या हम लैक कर रहे हैं? हमारे अंदर कोई ऐसी कमी है जिससे हम कोई अपना परिप्रेक्ष्य तक नहीं दर्शा पा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने? उर्मिलेश, ये 90 के दशक से ये प्रक्रिया शुरू हुई। मुझे याद है कि उससे पहले अगर नेपाल में सत्ता परिवर्तन होता था, पाकिस्तान में होता था, बांग्लादेश में होता था, तो प्रथम पृष्ठ पे प्रथम लीड होती थी वो खबर। मैं डेट 80s तक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आकस्मक हमने देखा कि जब हमारे बाज़ार खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई और हमारा जो मीडिया है उसके भी तेवर बदले, और यहाँ पर प्राइस वॉर्स हुई हमारे देश में जिसके चलते हमको एडवर्टीजमेंट ज़्यादा चाहिए था, प्राइस सर्कुलेशन बढ़ा के तो पैसे कमा नहीं पाते थे, महंगे में बनाते थे, सस्ते में अखबार बेचते हैं, आज भी बेचते हैं। तो उसके बाद जो न्यूज़ गैदरिंग में मेजर कॉस्ट कटिंग हुई हमारी इंडस्ट्री में, उसके चलते जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे साउथ एशियन कंट्रीज़ में उनकी वापसी हुई। एक ज़माना था कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रिश्तों के हिसाब से, चीन में, रूस में, मॉस्को में, श्रीलंका में, कोलंबो में लगभग हर अखबार के कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे। आज के दिन बहुत तेरी खबरें जो हमारे अखबारों में छपती हैं वो इंटरनेशनल वायर सर्विसेज की खबरें हैं। एग्जैक्टली। और बदकिस्मती ये है कि हालांकि टेलीविजन चैनल्स में तो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं बिकॉज उनको तो मूविंग पिक्चर्स चाहिए, लेकिन अखबारों के मध्य, साउथ एशिया के अखबारों के मध्य ऐसा कोई अरेंजमेंट जो कि मैं रोबस्ट अरेंजमेंट कह सकूं नहीं है। हमने कोशिश की थी, हमने एक वो हमारी संस्था थी साफमा, उसमें साउथ एशियन मीडिया नेट हमारा एक डिजिटल है, पोर्टल है, जिसमें आप अभी भी चले जाएं तो आपको
जितने सार्क के मुल्क हैं उनकी खबरें मिल जाएंगी वहाँ पर। लेकिन सवाल ये है भारत का मीडिया क्या कर रहा है। देखिए ये बात बहुत सीरियस और गंभीर है, नेवल गेजिंग अब नहीं चलेगी, इनवर्ड लुकिंग भारत नहीं चलेगा, क्योंकि अगर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे अपनी लीडरशिप मनवानी है तो सबसे पहले खित्ते में तो मनवानी पड़ेगी ना, या एक्सेप्टेबिलिटी मनवा लें। अब पब्लिक डिस्कोर्स इतना डिस्टॉर्ट हुआ हुआ है कि उर्मिलेश आप टेलीविजन चैनल देखे, लोग कहते हैं हम तो उस मुल्क से बात ही नहीं करेंगे जी। जब आप बात ही नहीं करेंगे तो खबर क्या छापेंगे फिर उसकी, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। विवेक जी, मैं थोड़ी देर परिपेक्ष दे रहा हूं, यहां पर कोई तू मैं की कोई गुंजाइश नहीं है। अपनी बात कहें आप। विनोद अभी मैं एक छोटा अंतराल हम लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो जो सवाल आपने उठाए, अलका जी ने उठाए और विवेक जी ने उठाए, हम इन सवालों को भी काफी इनकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी एक लेते हैं छोटा अंतराल। मीडिया मंथन में फिर आपका एक बार स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं पड़ोसियों का सवाल और मीडिया की पड़ताल कैसा है दक्षिण एशिया के बारे में। हमारे समाज में, हमारे देश में मीडिया का, मुख्य धारा मीडिया का परिप्रेक्ष्य किस तरह हम देखते हैं। अलका आचार्य, एक सवाल मेरे दिमाग में उभरता है जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो पाठक हैं देश में, खासकर मुख्य धारा मीडिया के, उनके सवाल, उनके दिमाग में भी ये सवाल बार बार जरूर उभरता होगा कि जब कभी आसपास के देशों में कोई खास बात हो जाती है, कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है, कोई ट्रेजडी हो जाती है, तब हम रश करते हैं। वहाँ भी क्या स्थिति होती है हमारी, क्योंकि उन देशों के बारे में शायद हमारा नज़रिया, सारा हमारा सोच, हमारी संवेदना, वेदना जिस तरह की भी हो, वो हमने नेपाल में भी हाल में देखा कि वहाँ लोगों ने कहा भाई साहब आप जाइए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो एटीट्यूड है आसपास के इलाकों के बारे में, हम मालदीव के बारे में तभी थोड़ी बहुत खबर आती है जब कोई बड़ी कंपनी भारत की वहाँ हवाई अड्डा बना रही होती है और उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, वो लॉबिंग करती है मीडिया में कि भाई कोई खबर होनी चाहिए ताकि हमारा देश हरकत करे, हमारे देश की सरकार हरकत कुछ करे। कई बार मीडिया अगर इन देशों के बारे में एक बेहतर कवरेज करता तो हमारे यहाँ के सत्ता का भी सोच, हमारी सरकारों का भी सोच विदेश नीति के स्तर पर शायद और ज़्यादा सुसंगत होता। क्या सोचती हैं आप? सही फरमाया आपने। देखिए ये इतना कम जानकारी, इतनी कम जानकारी हमारे पड़ोस के बारे में जो हमारे देश में आम आदमी को है वो बहुत ही लज्जाजनक है। ये मैंने ये देखा है, अगर आप पूरे मीडिया का परिप्रेक्ष्य में देखिए, मीडिया कंट्रोल कौन कर रहा है? पूंजीवादी हैं, बिजनेस हाउसेज हैं जो कि मीडिया चला रहे हैं। हमारे बिजनेस हाउसेज के इंटरेस्ट क्या हैं? अगर आप कहते हैं कि उभरती शक्ति है, वैश्विक शक्ति है और इसलिए उनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी वैश्विक होने चाहिए, तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? क्या हमारी जो कैपिटलिस्ट हैं क्या उनके वैश्विक इंटरेस्ट्स हैं? तब जाके उनके जो पेपर्स हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। बहुत अधिक मात्रा में राष्ट्रीयवाद जो है वो बुनियाद है जो भी कुछ आप अपने पड़ोसियों के बारे में लिख रहे हैं। और सीधा सीधा आप पाकिस्तान और चीन को ले लीजिए, सिवाय नेगेटिव रिपोर्टिंग के मैंने आज तक ऐसी कोई पॉजिटिव या सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक हालात के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देखी। ये जो आपने बताया कि जलजला आ गया, भूकंप आ गया, तो एक मानवीय तौर पे आपने उस बात को दर्शाया और उसमें भी हमारी रिपोर्टिंग पर सवाल उठते हैं। एक आप उदाहरण ले लीजिए कि आज के ज़माने में अगर हम पाकिस्तान के साथ जो मुद्दे हैं उन पर बात करिए या चीन के साथ जो विवादित मुद्दे हैं उस पर आपको कोई ऐसी बहस नहीं मिलेगी पेपर में जिसमें आपको एक धारणा बनाने का मौका मिले। सिर्फ एक ही बात की जाती है, एक राष्ट्रीयवाद की बात की जाती है और उसी में लोगों को बहना पड़ता है। विवेक काट जो एक जो ऑब्जर्वेशन अलका आचार्य क्या है, हो सकता है कुछ लोग इससे असहमत हों, लेकिन क्या अपने देश में लोगों को सूचना से इम्पावर करना, उनको एक नॉलेज यानी ज्ञान से लैस करना और इससे एक सुसंगत परिप्रेक्ष्य करने के रास्ते में कैसे देखते हैं, इसमें इस प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? उर्मिलेश जी, दो अलग अलग चीज़ें। पहली चीज़ है कि ज्ञान, हमारे क्षेत्र का, विश्व का ज्ञान भारत में बढ़ना चाहिए, उसमें मीडिया का रोल है, उसमें मैं समझता हूँ हमारे विश्वविद्यालयों का रोल है, हमारे थिंक टैंक्स का रोल है। आज के दिन मैं, शायद आपको बुरा ना लगे मैं कहूँ, दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में जो विश्वविद्यालय हैं उनको छोड़कर कितने विश्वविद्यालय देश में हैं जहाँ पर
हमारे क्षेत्र, विश्व को तो छोड़ दें, हमारे क्षेत्र के बारे में सीरियस स्टडी हो रही है। मैं आपको कहूं, बहुत कम है सीरियस स्कॉलर पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, हमारे देश में कितने हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस वक्त सरकार का भी रोल है कि एक एक किस्म से एक कैटलिस्ट का रोल वो प्ले करे, जिसमें मीडिया को भी ज़्यादा रुचि आए हमारे क्षेत्र दक्षिण एशिया के मामलों में, विश्व के मामलों में। मैं तो यहाँ तक कहूँगा आपसे कि ये बिल्कुल शर्म की बात है कि आज के दिन भारत में एक भी वर्ल्ड चैनल नहीं है। यानी आप ये देखिए, कतर जो कि छोटा सा देश है, उसने अल जज़ीरा स्थापित कर दिया, जो कि आप बढ़ रहा है आगे, उसकी एक व्यूअरशिप है। हमारे वहाँ कोई इस तरह का नहीं है, और सरकार को इसमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। चाइना का है, चीन का है, रूस का है, हर प्रभावशाली देश का चैनल है, हमारा क्यों नहीं है? विनोद, लेकिन आप विवेक की ये बात, ये चिंता कि भाई हमारे पास भी एक वैश्विक नज़रिया होना चाहिए, जो चैनलों में झलके, जो अखबारों में झलके, बात सही है। लेकिन पाकिस्तान का ही उदाहरण लें, हम उदाहरणों से बात करें, हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को ये बात ज़्यादा समझ में आएगी, खासकर हमारे दर्शकों को, कि भाई अगर पाकिस्तान पर ही हमारे भारतीय मीडिया की 21 साल से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, और बल्कि इससे ज़्यादा वक्त तक, एक ही तरह की लाइन है। ऐसा लगता है कि दिमाग नहीं बदलता, ऐसा लगता है कि हम वही पुरानी लाठी पीटे जा रहे हैं। तो क्या कोई पाकिस्तान को लेकर हमारी पॉलिसी, हम सरकारों की बात छोड़ दें, हमारे मीडिया के सोच में भी क्या कोई तब्दीली है? क्या हम उनके कितनी चीज़ें कवर करते हैं? अब ध्यान से सुनिए, विवेक साहब ने कहा कि सरकार को भी एक रोल अदा करना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार को मीडिया में कोई रोल अदा करना नहीं चाहिए। वो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के बारे में नहीं, वो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग मैं समझता हूँ, सीसीटीवी जैसे चाइना के पास है, या ये विवेक भाई सेक्रेटरी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उसके संदर्भ में ये कहता हूँ कि अवेयरनेस अगर मीडिया में बनानी है, तो एक पुरानी, बहुत पुरानी प्रथा है डीप बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स की, और हमारी विदेश मंत्रालय में डेस्क हैं जिनको पूरी जानकारी रहती है कि किस खित्ते में, दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है। और एक ज़माना हुआ करता था, मुझे याद है कि फॉरेन सेक्रेटरी रेगुलर ब्रीफिंग करते थे, और ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली फॉरेन सेक्रेटरी हैं कि दुनिया के एक कोने से शुरू होते थे और दूसरे कोने तक पहुँच जाते थे जब ब्रीफिंग ख़त्म होती थी। अगर ऐसी प्रथा दोबारा शुरू हो, तो मीडिया एम्पावर होता है, उत्साहित होता है कि उसके बारे में लिखे। देखिए, रोहिंग्या इसका जो मसला है, वो बांग्ला, म्यांमार, बांग्लादेश से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये इन सब मुल्कों को पिरोए हुए हैं। तो इसमें जो हमारा खित्ता है और जो एशिया पैसिफिक है, ये दोनों इन्वॉल्व हैं। और उसके बावजूद क्या अभी तक उत्साहित नहीं हुआ हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कि पत्रकारों को बुलाए और बताए कि इसमें हमारी क्या सोच है? मैं वही देखिए, ह्यूमन माइग्रेशन इतने भारी स्तर पर, जबकि रोहिंग्या की फोटुओं के चलते हमारे बेंगलोर में इतना बड़ा पवाद हुआ, नॉर्थ ईस्ट के लोग निकल निकल के चल पड़े अपने मुल्कों के, अपने 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 घर घर बसेरों की तरफ। देखिए मेरी, मुझे बात पूरी करने दें। देखिए, यही प्रॉब्लम है, जो नेशन वॉन्ट्स टू नो हैज ग्रोन इवन ऑन डिप्लोमैट्स, यू नो, क्योंकि डिप्लोमैट्स, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, Everybody is taking a partisan position. इस देश में जो राष्ट्रवाद है, जो रिलीजियस राष्ट्रवाद कह दीजिए उसको, या उसको फॉरेन पॉलिसी नेशनलिज्म कह लीजिए, मिलिट्री नेशनलिज्म कह लीजिए, इकोनॉमिक नेशनलिज्म कह लीजिए, इंडियन नेशनलिज्म नहीं झलक रहा कहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एमईए पहले रोहिंग्या इसके बारे में बताए, क्यों नहीं हमारे मीडिया में स्वयं इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि इसका क्या मुद्दा है, ये इसका भारत से क्या रिश्ता होना चाहिए? स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग होती है यूएसए में, इस तरह हम बात नहीं करें, विभिन्न सवाल उठाए जाते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट जवाब देता है। विनोद, हम इस तरह विवश भी करें कि इवॉल्व करे हमारा एमईए एक सुसंगत दृष्टिकोण इस संबंध में? क्या आपको लगता है कि मीडिया अपना इनिशिएटिव चूक रहा है और हम कह रहे हैं कि स्टेट क्यों नहीं पहले बताता, या स्टेट की ओर से भी क्यों नहीं आता? बिल्कुल सही बात है कि जो ब्रीफिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, वो एक आपको फैक्ट्स फ्रॉम द मिशंस अब्रॉड, या जो असल बात है वो आपके सामने रखती है। मैं फिर वापस वहीं आऊंगी कि विनोद जी ने कह तो दिया कि बिल्कुल मीडिया को, स्टेट ओन मीडिया नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो किन इंटरेस्ट के आधार पे आगे बढ़ती है,
और जैसे मैंने कहा कि अभी हमारे जो पूंजीवाद हैं या कैपिटलिस्ट हैं जो मीडिया प्रॉप कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट अभी ग्लोबल उस तरह से नहीं हुए हैं। अमेरिका का आपने उदाहरण दिया, लेकिन अमेरिकन कॉरपोरेट्स पूरी दुनिया भर में हैं, इसलिए उनके लिए वो जो स्टेट ब्रीफिंग होती है वो बड़ी मायने रखती है एक दूसरे तरह से। मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो परिप्रेक्ष्य है वो अभी तक बहुत ही संकुचित है, और हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि सोचता कैसा, एक सत्ता जब उभरती है वो सोचती कैसे। वी डोंट थिंक लाइक अ ग्रेट पावर। विवेक, अभी 2011 की संभवतः बात है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है रही तारीख, लेकिन हम म्यांमार पर बहुत सारी रिपोर्ट्स खासकर नॉर्थ ईस्ट के अखबारों में आने लगी। इशू क्या था कि परेश बरुआ का हमें इंटरव्यू करना है, यानी उनको वो देश हमेशा तभी याद आता खासकर नॉर्थ ईस्ट के अखबारों को या चैनलों को कि उल्फा के नेताओं से भेंट करनी है, मुलाकात करनी है, खबर देनी है। इसके अलावा आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनयिक जो भारत से रिश्ते उस उन देशों के होने चाहिए हमारे पड़ोसियों के साथ, उस पर कहीं कोई कवरेज नहीं। और रोहिंग्या उसका अपवाद नहीं है, कैसे देखते हैं जो विनोद कह रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल मैं आपसे पूछूं। पहली चीज आप जो कह रहे हैं वाजिब है, बिल्कुल सही है कि हमारी मीडिया में, हमारे एकेडेमिक्स में, हमारे सरकारी हलकों में अपने क्षेत्र का ज़्यादा ज्ञान होना है। उस जितने मुद्दे हैं हम बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, श्रीलंका में, उसके उसकी जड़ तक जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन मुद्दों का हम पर, हमारे हितों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जहाँ तक ब्रीफिंग की बात है, मैं आपसे प्रैक्टिकल चीज़ कहूँ, जिस दिन मीडिया से प्रश्न उठने लगे कि रोहिंग्या में क्या है, भारत की नीति क्या है, आपका रवैया क्या है, इसकी असल में आप किसको किस तरह से देखते हैं, उस दिन जो हमारी विदेश, हमारा विदेश मंत्रालय हरकत में आएगा, उस दिन वो जवाब देगा। तो इसमें ये कहना कि सुओ मोटो अपने आप, सुन ले पूरी चीज विनोद, एक तो हो सकता है कि एमईए खुद ब्रीफिंग करे कि बताए बैकग्राउंड पे, तो वो उसमें आज के परिपेक्ष में मीडिया, आज के परिपेक्ष में ये इल्जाम लगेगा कि आप गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका, जिसको, जिसके ये खिलाफ इस तरह ये आना चाहिए कि मीडिया कहे कि आप क्या, लेकिन बिल्कुल अंत में हमारा हमारा हमारे कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है। हम बिल्कुल लास्ट में एक एक लाइन, दो दो लाइन में आप लोगों से बात समझना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि एक वैश्विक नजरिया जो नहीं दिखता आपको, वो क्या इसलिए भी है कि हम आस पड़ोस के देशों में, दुनिया के जो और बड़े देश हैं वहाँ पर वाकई हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जो विनोद कह रहे हैं कि वो नहीं रह गए हैं, बहुत कम रह गए हैं, आर्थिक कारण उसके लिए बताए जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो बड़े मीडिया संस्थान हैं वो बहुत सारे दूसरे उत्सवों पर, जलसों पर बेशुमार पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो न्यूज़ गैदरिंग पर उनका खर्च लगभग खत्म है। देखिए, देश का मूड बदल गया है, उसको हमें समझना है। जो युवा पीढ़ी है उसकी जो प्रायोरिटीज हैं वो अलग हो रही हैं। तो ये जो एक आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। मैं तो यहां तक जाऊंगा कि इस वक्त जो कि होता है हर देश में, ये होता है कि मदद करनी चाहिए कि जो मेजर मीडिया संस्थान है सरकार को, कि वो अपने लोगों को, नुमाइंदों को भेजे। आपका कहना है कि प्राइवेट जो जो निजी पूंजी जहां लगी है वहां संभावना नहीं है, तो क्या वाकई एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो हमारे अपने देश का है वही ये काम कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या क्या कठिनाई क्या है? बहुत आवश्यकता है कि एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एक एसोसिएट एक इलेक्ट्रॉनिक या स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि इसी से जो एक्चुअल जो जो आप सत्ता की बात कह रहे हैं ना, ये सत्ता आप किस तरह प्रोजेक्ट करेंगे, और वो मीडिया हाउसेस, प्राइवेट मीडिया हाउसेस वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक अलग सोच है, उनका एक अलग दिशा है, उनके अलग हित हैं। विनोद, मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। व्यापक बहस चल रही है दुनिया भर में कि प्रिंट मीडिया अभी फौत होने वाला, ख़त्म होने वाला। रोहिंग्या पे मैं खबर पढ़ता हूँ डिजिटल पे, मैं पूरी दुनिया की खबर मेरे कंप्यूटर में है, मेरे लैपटॉप में है, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। इस मैसेज को ज्यादा मुस्तैदी से हम अपने अखबार वालों को बताएं, और प्रार्थना करता हूं कि हमारा फॉरेन ऑफिस अपनी नेवल गेजिंग से उभरे जी, और एक रेगुलर ब्रीफिंग फॉरेन सेक्रेटरी 2 महीने में एक बार करें, जहां पर हर प्रश्न पूछने की फ्रीडम हो, हाँ? और उनको जवाब दिए, हर प्रश्न का वो जवाब दें, जिसके चलते अवेयरनेस बढ़ेगी मीडिया हाउसेस में और व्यूअर्स में
और पढ़ने वालों, आप चारों मेहमानों का इस जटिल विषय पर, खासकर जो हमारी जो एक वैश्विक समझ है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य का सवाल है हमारे मुख्य धारा मीडिया का, इस जटिल प्रश्न पर चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि कुछ मतभेदों के बावजूद एक जो चिंता का, एक सरोकार का जो विषय उभरता है इस पूरी बहस में, वो ये कि हमारे जैसे महादेश को जो बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ कोशिश कर रहा है अपने नज़रिए से दुनिया को देखने की, उसमें हमारे राष्ट्रीय मीडिया को, हमारे मुख्य धारा मीडिया को भी एक सुसंगत नज़रिया विकसित करना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सूचना के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर हम पहले अपने को एम्पावर करें, जिससे हमारे दर्शक, हमारे पाठक भी उससे अपने को सशक्त फील करें, उनको भी सोचने का, समझने का, और इस तरह उनके जरिए सत्ता और समाज को भी, बल्कि गवर्नेंस की जो डिफरेंट एजेंसी हैं उनको भी अपने विचार इवॉल्व करने का मौका मिले, दबाव भी उसका बने। इन शब्दों के साथ मीडिया मंथन की आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।